हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशिकांत वाघेरे और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मार्कशीट कैसे प्रिपेयर की जाती है एक्सेल में, एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया है विद स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट्स के नाम के साथ और उनके मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे दिए हैं। नाउ हमें फाइंड आउट करना है टोटल एवरेज परसेंटेज रिजल्ट। एक नोट भी है यहाँ पे कि कंसिडर ऑल सब्जेक्ट मार्क्स आउट ऑफ 100, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट है। तो टोटल कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा तरीका है। पहले तो फार्मूला आप लोग लिखना स्टार्ट करो। फार्मूला स्टार्ट करने के लिए होता है इक्वल साइन। सो कोई भी फार्मूला होगा ऑलवेज बिगिंस विद द इक्वल साइन, तो इक्वल साइन आएगा। देन हमारे पास दो तरीके, एक हम लोग अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना खुद का फंक्शन बिल्ड करते हैं यूजिंग सेल रेफरेंसेस, जैसे कि सब्जेक्ट वन के मार्क्स ले लिए अजय के B2। सो सब अजय के मार्क्स यहाँ पे B2 सेल में, तो उसको सिलेक्ट कर लिया, प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2। सो इस तरह से हम लोग अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ये मैंने टोटल निकालने का एक फार्मूला बिल्ड किया यूजिंग सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस का यूज़ करके। एंटर कर दो और फिर देखो यहाँ पे आ गया आपका टोटल। अभी यही टोटल जैसे हम लोगों ने अजय का टोटल फाइंड आउट किया, वैसे ही अभी सभी स्टूडेंट का फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका है कि इसको कॉपी करो इस फॉर्मूला को और पेस्ट करो यहाँ पे। यही चीज़ हम लोग दूसरे मेथड से कर सकते हैं, ये ड्रैग करके। मतलब क्या करना है, यहाँ पे जो फिल हैंडल है उसको यूज़ करो एंड ड्रैग करो। और तीसरा तरीका है फिल हैंडल का ही यूज़ करके, वो क्या कर देना है, इसको डबल क्लिक कर देना है, तो उससे भी वो ट्रैक हो जाता है अप टू लास्ट रिकॉर्ड तक। तो इस तरह से हमें सबके सबका टोटल मिल जाता है। यहाँ पे भी देखो अभी इसका टोटल आया, यहाँ पे ये वाले सेल रेफरेंसेस आए, ठीक है। इस तरह से अभी वैसे ही एवरेज आप लोग निकाल सकते हो। सो एवरेज निकालने के लिए भी आपके पास आप अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, कि एवरेज मतलब होता है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सो ये टोटल है और सब्जेक्ट कितने हैं, 6, तो डिवाइड करो 6 से, एंटर कर देना, इस तरह से एवरेज आ जाएगा। तो फिर ड्रैग कर देना। वैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। देखो परसेंटेज का कोई भी इनबिल्ट फंक्शन तो है नहीं, तो आपको तो परसेंटेज आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, इक्वल देन देखो हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, सो टोटल डिवाइड बाय 600। 600 किस लिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे 600 मार्क्स के सब्जेक्ट है, 600 मार्क्स के सब्जेक्ट है। मल्टीप्लाई 100 कर देना, तो इससे आपको मिलेगा परसेंटेज। तो ये देखो ये क्या फार्मूला था, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ये हुआ फार्मूला, फिर इसको ड्रैग कर देना। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका। अभी यहाँ पे आगे रिजल्ट भी है, लेकिन रिजल्ट के लिए कोई भी फार्मूला आप लोग बना नहीं सकते, आपको इनबिल्ट फंक्शन का ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप लोग मैन्युअली सब कुछ काम नहीं कर सकते, आपको इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको मैं सिखाता हूँ कि इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल निकालना है, तो हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है सम। तो यहाँ पे इक्वल टाइप करो फंक्शन का नाम, जैसे ही नाम टाइप करोगे आपको वो फंक्शन दिखाई देगा यहाँ पे लिस्ट में, प्लस वहाँ पे उसका पर्पज़ भी दिखाई देता है। ब्रैकेट ओपन करो, आपको सिंटैक्स दिखाई देगा, ठीक है। सो एनी वे सम इनटू ब्रैकेट क्या करना है, सिलेक्ट करो रेंज, ये रेंज सिलेक्ट कर लेना B2 से लेके G2 तक रेंज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मतलब सारे मार्क्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे टोटल आ गया। अभी ऐसे ही एवरेज भी निकाल सकते हैं इक्वल, और फिर क्या कर देना, एवरेज ये वाला फंक्शन यूज़ कर देना। एवरेज का स्पेलिंग पूरा लिखना, प्रॉपर लिखना, ब्रैकेट ओपन करना, और उसके बाद क्या करना, फिर से अगेन ये वाला पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेना फ्रॉम B2 टू G2, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर कर दो, तो फिर एवरेज भी आ गया। अभी क्या करना है, फॉर्मूला को ड्रैग करो। मैं एक साथ दोनों को ड्रैग कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, फिल हैंडल यूज़ करके मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो सबका टोटल आ गया, सबका एवरेज आ गया, परसेंटेज भी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है। अभी देखते हैं कि रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो रिजल्ट निकालने का तरीका क्या है, रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को मोर देन 35 मार्क्स होंगे, मोर देन और इक्वल टू 35 मार्क्स होंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो फिर वो
स्टूडेंट पास होगा। तो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, अगर आप ये क्राइटेरिया वाइज जाते हो तो देखो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक लॉजिकल फंक्शन इफ़, क्योंकि देखो पास है स्टूडेंट या फेल है ये डिसीजन जो है वो इफ़ ही ले सकता है, तो इसलिए हमें इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। सो इफ़ इनटू ब्रैकेट यहाँ पे आएगा टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट। तो देखो यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स चेक करने के, उसका हर एक सब्जेक्ट चेक करने के, उसे ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 है कि नहीं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 है कि नहीं इन सब्जेक्ट 2, 3, 4 वगैरह। सो यहाँ पे हम लोग एक लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें इसके अंदर एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, वो है ऐड का फार्मूला। तो ऐड का लॉजिक यूज़ करके हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सो ऐड इनटू ब्रैकेट पहले क्या गया, सब्जेक्ट 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 कॉमा सब्जेक्ट 2, मतलब ये C2 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 कॉमा सब्जेक्ट 3 के मार्क्स अजय के, मतलब हो D2 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। उसके बाद सब्जेक्ट 4 के E2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। उसके बाद F2 के ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 एंड सब्जेक्ट 6 के मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। सो इस तरह से हम लोगों ने एंड को इतने सारे क्राइटेरिया दिए, कंडीशंस इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि पहला पहला है कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स मतलब B2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 होगा, C2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 होगा, D2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 होगा, E2 की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 होगी, सबकी हर एक सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 होगी तो एंड जो लॉजिक है वो एक आंसर रिटर्न करेगा ट्रू करके किसको, इफ को। सो अगर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ट्रू है तो एंड आंसर रिटर्न करेगा ट्रू टू इफ। तो मतलब क्या हुआ, मतलब इन सारे सब्जेक्ट में अगर मोर देन इक्वल टू 35 मार्क्स रहेंगे अजय को तो वहाँ पे एंड आंसर रिटर्न करेगा इफ को ट्रू। तो जैसे एंड को आंसर आया ट्रू, मतलब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू होगी आपकी जो कंडीशन, अगर आपको एंड वाली कंडीशन, एंड जो लॉजिकल फंक्शन है अगर आपको इफ को ट्रू आंसर रिटर्न करता है तो क्या करोगे, तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू आया तो क्या करना है, पास है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पास कि भाई पास कर दो उसको। वैल्यू इफ फॉल्स, समझो एंड ने आंसर रिटर्न किया फॉल्स कि नहीं भाई इसमें से जो अजय है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मार्क्स नहीं हर एक सब्जेक्ट में, तो क्या करेगा, तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स आया तो एंड क्या करता है, रिटर्न करता है आंसर फॉल्स, और अगर फॉल्स आंसर रिटर्न हुआ इफ को तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि वो स्टूडेंट फेल है। सो फिर से एक बार इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या है, तो इक्वल इफ इनटू ऐड ब्रैकेट में हम लोगों ने मल्टी ऐड फंक्शन को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, इफ हियर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू, मतलब कि सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स ट्रू होंगे, सारी कंडीशंस यहाँ पे ट्रू होंगे, तो ऐड क्या करेगा, ट्रू आंसर रिटर्न करेगा इफ को, और इफ को ट्रू आंसर रिटर्न किया तो हम लोग ट्रू आंसर रिटर्न हुआ, इसलिए वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू आंसर आंसर आया तो डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट पास, और अगर समझो फॉल्स आंसर आया तो रिजल्ट रिटर्न करेंगे रिजल्ट फेल। ओके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और फिर एंटर कर दूंगा और यहाँ पे रिजल्ट आ गया। सो अभी यहाँ पे ब्रैकेट यूजिंग फिल एंडर इसको ड्रैग करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दो स्टूडेंट्स फेल है, फेल किस लिए है क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स कम है और इस जगह पे भी सब्जेक्ट के मार्क्स कम है, तो यहाँ पे ये दोनों भी स्टूडेंट्स फेल है एक सब्जेक्ट में, तो इसलिए ये फेल आ गया।